बहुत अच्छा लग रहा है, इतने यंगस्टर्स लोगों को देख रहा हूँ जो साइकिलिंग करने के लिए इतने सुबह उठ गए हैं। 78 ईयर्स ओल्ड हूँ, क्या बात है, बच्चों के साथ जी रहा हूँ, साइकिल में छोड़ता नहीं हूँ। गाइस सर प्रॉब्लम हो गई, 100 रुपए का चोट लग गई। पान का कैसा टेस्ट आ रहा है? हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल, माय नेम इज़ गौरव और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह का टाइम वैसा अलग ही होता है और आज मैं जा रहा हूँ मीटअप पर, और मीटअप किसका है, ये प्रयागराज में बहुत ही फेमस राइडर्स हैं, उनका नाम है प्रयागराज राइडर्स, तो मतलब साइकिलिंग करते हैं वो लोग। तो आज मेरे ख्याल से 2 से 3 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली मैराथन होती है ना साइकिल की, वो प्रयागराज में मतलब हो रही है। बीच में हो नहीं पाई 2 साल तक क्योंकि कोविड चल रहा था, तो हो नहीं पाई। तो एनीवेज मैं ये कह रहा था, मैं हेलमेट पास में जा रहा हूँ, हेलमेट फिर भी लगा के जा रहा हूँ। मैं एक बार बताना चाहता था आपको, हेलमेट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कल मैं पढ़ भी रहा था कि जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ना, एक्सीडेंट आपको लगेगा हेलमेट क्यों लगाना यार, मतलब बाल खराब हो जाते हैं, मेरे खुद के बाल खराब हो जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको पता चलेगा इस हेलमेट की कीमत क्या होती है। तो प्लीज़ वेयर अ हेलमेट। तो मैं देखिए आ चुका हूँ, ये पुलिस लाइन है पूरी है, आप देख सकते हैं सामने। अच्छा यहाँ से साइकिलिंग स्टार्ट होगी मतलब मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी साइकिल खड़ी हुई है ना लाइन से, और सब वाइट ड्रेस क्यों पहने हुए हैं, पूछना पड़ेगा चल के वहाँ। और राजेश कहाँ भाई, कहाँ? बढ़िया, बस अब यहीं पे है आपके पास और आपके साथ। अच्छा ये देखिए, तो तुम ही दो लोग आए होगे अभी क्या? नहीं और भी लड़के हैं, सब शामिल हो गए ना इसमें। अच्छा अच्छा, नहीं भैया बेसिकली आप हम लोग कोच बन के आए हैं। सही में क्या बात है यार, प्रमोशन हो गया तुम लोगों का। ये बच्चे बच्चे चलाएंगे क्या? बस बच्चे चलाएंगे, अगर आप बूढ़े भी हैं, जैसे एक चाचा वहाँ पे, देखिए एक बहुत इज्जत बंदा वहाँ पे। हाँ ये देखिए, ये देखिए मिलते हैं उनसे भी। हाँ सही बात है, काफी इज्जत है यार। जो आपका दैनिक जागरण है, हाँ हाँ हाँ, स्पॉन्सर होता है और ये हमारे टीम के मेंबर है। अच्छा तुम टीम के मेंबर हो, क्या बात है। अच्छा एवन साइकिल मतलब स्पॉन्सर की गई है। अच्छा अच्छा, इसको बिना पहने जाओगे अलाउ नहीं करेंगे क्या? अच्छा अच्छा, मतलब कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है मतलब इसमें? नहीं नहीं, आपको कूपन मिलेगा। अच्छा हाँ हाँ, के बाद टोकन टाइप मिलता है, आप उसको कम्प्लीट करो तो आपको ये मिल रहा है। अच्छा स्कूल वालों के लिए रजिस्ट्रेशन जो है फ्री था, स्कूल वालों के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री था। अच्छा बाहरी अगर कोई है तो उसके लिए 200 रुपए। हाँ हाँ, फॉर्म में एक किट कूपन है, खाने पीने का कूपन है, लॉटरी का कूपन है। अच्छा क्या बात है, मतलब कोई भी निकल सकता कूपन में निकालोगे तो। हाँ क्या क्या है इसमें? अच्छा रिफ्रेशमेंट कूपन, ये आपको मतलब रिफ्रेशमेंट भी दिलाएंगे ना वो लोग। अच्छा मतलब सब कुछ इसी में, मतलब एक कूपन में, क्या बात है। आपको क्या मिलेगा, एक लॉटरी के लिए मिल जाएगा जो आप, और ये कूपन फाड़ के आपको रिफ्रेशमेंट दिया जाएगा, आप रास्ते में जो नाश्ता मिलेगा आने के बाद। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा। तो वैसे सौरभ भाई आज ऑर्गेनाइज करवाया मीटअप ये, और बड़े क्रिएटर हो गए हैं। नहीं बड़े क्रिएटर्स नहीं है, उम्मीद नहीं थी इतने ज्यादा लोग आएंगे, मतलब मेरा तो नॉर्मल 4-5 लोगों से कॉन्टेक्ट हुआ था। उसके बाद वही होता है ना, आप दो को बोलो फिर वो दो और दो से बोल रहे हैं। नहीं पिछली बार क्या हुआ था ना, कि पिछली बार जब सौरभ ने बताया था 15th August की उन्होंने रखवाया था कोई मीटअप, तो उस टाइम उस समय ध्यान ही में लखनऊ गया था, तो मैंने बोला भाई उस टाइम पे तो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर आए थे, जिसमें आपका मतलब इंस्टा अगर आप यूजर हो तो आप नाम जानते हो, आल्फी गोगो, हर्षित भैया थे, अरसलान भाई था जो कि काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी करता, और यहाँ का भैया सबसे बड़ा जो ड्रोन फ्लायर हैं अखिल ड्रोन बॉय, वो भी आए थे। आज कोई नहीं आया क्या हमारे आने की वजह से? नहीं वो आज बिजी है, नहीं बड़े इंसिडेंट इतने फेमस नहीं है, सौरभ ज्यादा फेमस है, हम ये मत समझिएगा हमारे पास सब लोग आए हुए हैं। नहीं ये सारे अभी के हैं, नहीं नहीं सब लोग आपको जानते हैं। सही में हो गया तुम्हारा आज का, आज आज सुबह लगता है तुमको कोई मिला ना, हम ही मिले तुमको आज। बोल रहा मैं 70 रुपये वाले आदमी बोल रहे। आप एक जल्दी से YouTube वाली प्रिंट टी शर्ट प्रिंट करवाइए, अगर आप प्रिंट कराए तो आज आपको बहुत फायदा मिलता है, कुछ नहीं तो कम से कम 15 लौंडे तो सब्सक्राइब। कोई बात नहीं, पेन से लिख दें आप यूट्यूब। किसको? गौरव शुक्ला ब्लॉग, थैंक यू सो मच भाई। तो जितने लोग हो सब लोग सब्सक्राइब कर लेना, और भैया जी को हमारे सपोर्ट करिए और शेयर करिएगा ये वीडियो हम लोग। हाँ यार तो सभी लोग जैसे सब लोग बोलते हैं लोग और नहीं करते, लोग कहते अब तो और ना करेंगे हम। करेंगे करेंगे भाई, नहीं नहीं कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच भाई, तुम्हारा नाम क्या है भाई? ये साइकिल पहले पापा लोग चलाते थे, गट से ये साइकिल चला लेते हो तुम आराम से, इतना लंबा चला लोगे?
अनकंफर्टेबल रहती है इसमें चलाने में? सही में नहीं, वैसे जो ये साइकिल का मारेगा वो इस साइकिल में इसको चार मारेंगे, हाँ दो मार देंगे बराबर हो जाएगा। अच्छा नहीं, हमको इतना पता है, स्कूल वगैरह जाते थे बचपन में, इससे आते थे, बड़ी साइकिल बहुत महंगी पड़ती थी हमारे लिए, तो यही पापड़ दिलाते थे। इससे जाए ना भाई, बीच में जानते हो लड़कों की प्रॉब्लम, बीच में कभी घर भाई बहुत गंदा लगता था भाई, आप लोग समझदार हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बताया तो ये वैसे हमको लगता है कि ज्यादा कंफर्टेबल कंफर्टेबल नहीं है। हम लोग तुम नैनी से आए हो, बहुत दूर से, हमारे ख्याल 10 किलोमीटर कितने दूर से आए हो? यहाँ से 11 किलोमीटर ज्यादा हो। और ये कहाँ तक जाएगी मैराथनी? 10 किलोमीटर राउंड है पूरा। किस जगह तक है मतलब? एंड से होते हुए पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यही वापस स्कूल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सौरभ भाई तैयार है? तैयार है सौरभ भाई, तैयार हो ना? एवरीबॉडी तैयार, सब लोग? ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू मेरी तरफ से, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ऑल दी बेस्ट भाई, बढ़िया से करो, ब्लॉग आएगा तुम लोगों का, सभी लोग ब्लॉग में रहोगे। चलो टेक केयर। कैसा लग रहा है आगे यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, इतने यंगस्टर्स लोगों को देख रहा हूँ जो साइकिलिंग करने के लिए इतने सुबह उठ गए। हाँ सही बात है, हर किसी को यार साइकिलिंग करनी चाहिए, ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ वैसे भी एनवायरनमेंट के एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ रहेगा काफी। हाँ, क्लाइमेट के लिए भी सेफ रहेगा, और आप सोचिए ना कि आप ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो कि देश की इकोनॉमी को नुकसान भी पहुंचाएंगे। हाँ। लेकिन एनवायरनमेंट को जो है आप फायदा पहुंचाएंगे। सही बात है, आपको गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करानी पड़ेगी, टायर चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। आपको अंकल मोटिवेशन कैसे मिला यहाँ आने का? बहुत बड़ी बात है क्योंकि सारे लोग यंग दिख रहे हैं, आप ही एक ठीक ठाक एज के, जितने लोग दिख रहे हैं ज्यादातर बच्चे। तुम लोग कितने साल के हो गए? 20 साल तक के हो गए ना? 20 साल के हो गए अप्रॉक्स। 17 इयर्स का, देखिए 17 इयर्स का है, 3 साल का तो कोई नहीं है। तो ये मेरी साइकिल ही पहली। ये देखो तुम कितने साल के हो? 13 इयर्स के हो यार, बहुत अच्छा, माइंड ब्लोइंग। 35 साल की साइकिल है, आप देख रहे हैं 35 साल की साइकिल है। हमसे ज्यादा सबसे अच्छी रेस राइडिंग साइकिल, हमसे ज्यादा एज है इसकी। चैनल का नाम अगर ना पता चले तो वो जो बंदा है ना उससे पूछ लेना, ठीक है? ये सब नाम बता देगा। क्या कह रहे थे आप? हमका 78 इयर्स ओल्ड हूँ। क्या बात है, बच्चों के साथ जी रहा हूँ, साइकिल में छोड़ता नहीं। बहुत अच्छा। नातियों नाती और नतबहू वगैरह तो अपना, हाँ हाँ हाँ, बोलो तो काटे चलते होंगे। मोटिवेशन सारे लोगों के लिए मोटिवेशन की बात है अंकल, जो लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग खड़े हुए हैं वहाँ, जब से हम लोग वहाँ खड़े तब से आप ही को देख रहे हैं हम लोग, जैसे इतने लोग यंग हैं आप दिख रहे हैं बस इतने। बच्चों के साथ जब रहेंगे तो बच्चे जैसे ही रहेंगे। सही बात है अंकल, ये तो है, ये तो बूढ़े अलग थलग हो जाएंगे ना। हाँ, उनको साइड कर दिया जाएगा पूरा पूरा। अंकल नमस्ते ना। अरे अंकल हाथ में मिलाइए। अरे क्या बात करते हैं। नहीं मतलब ठीक है, लेकिन फिर भी इतने आप उम्र में बड़े हैं। ठीक है ठीक है, थैंक यू, थैंक यू अंकल, थैंक यू। जैसे आए हो तुम लोग, कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? 11th है। 11th है इस बार, बहुत अच्छा। तुम लोग किस स्कूल से हो? ज्वाला देवी से हो, बहुत अच्छा। आप पतंजलि से हो, तो कौन से क्लास में बैठे आप? 7th में, वेरी गुड। आगे से कुछ अनाउंसमेंट हुआ, इनको जो पीछे इनको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन हाया कर दिए बस ना। सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? हाँ ठीक है, बाइक से आए क्या? राइस तो मैं साथी हो क्या? चलो ठीक है, तो राइस हमारे साथ बाइक से रहेगा, और चलो ऑल दी बेस्ट ऑल ऑफ यू भाई लोग। हम लोग, अरे बाबा गजब चला रहे हो तुम, खतरनाक, क्या बात है, वाह वाह वाह। अबे मेडगार्ड देना तुम्हारी साइकिल में, मेडगार्ड देना, पानी आएगा ऊपर। बेटा वेरी गुड वेरी गुड, डू इट डू इट, कम ऑन कम ऑन डू इट। तो अभी देखिए गाइस, यहाँ पे ट्रैफिक को रोक दिया गया है क्योंकि यहाँ से एक्चुअली में साइकिलिंग मोड़ रही है ना, तो इसलिए रोक दिया गया थोड़ा सा। बहुत अच्छा, पानी में क्या क्या? अच्छा मसल प्लेट डाले हो क्या? वे प्रोटीन, वे प्रोटीन डाले, वे प्रोटीन। सही है वैसे, ये साइकिल भी, ये साइकिल कंफर्टेबल होती है वैसे यार। सही है यार, बढ़िया साइकिल है जो टक्कर दे सकती है। कौन सी? ये कौन सी? फायरफॉक्स है ये। लेकिन इसमें अगर गियर लगाओ तो और, हाँ सही बात। गाइस थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, सौरभ भाई को चोट लग गई, और कमिटमेंट है काम करने का, करवाओ पहले, सही करवाओ इसको, चलते हैं हम लोग फर्स्ट एड वगैरह करवाते हैं ना।
अभी जाए, लेकिन फिर भी यार अभी भी चला रहे हो तुम, पता है गिरने के बाद कह रहा है साइकिल को कुछ नहीं हुआ, मैं यार साइकिल चढ़ा अपने आप को देखो भाई। कह रहा हूँ गाइस कि आप इन देखिए साइकिल मेरा कर रहे हैं, थोड़ा सा कोशिश रही है बात कम करिए। हम लोग वैसे बात कर रहे थे सौरभ को, वैसे हम लोग नहीं गिराना पे, नहीं नहीं हम लोग नहीं गिराना, हम लोग गिरा रहा बात गिर भाई। देखिए ये लगी हुई है और ये लगी हुई है, हम लोग चाय पीने आए यहाँ पर। यहाँ पर फ्लेवर चाय भी है क्या? प्रयाग स्पेशल चाय, क्या बात है। पान फ्लेवर चाय, पान फ्लेवर भी चाय आती है क्या? उसमें कैसे बनाते हैं आप? चाय आती है पूरी, इसकी चाय पत्ती आती है। अच्छा, पान का अलग चाय पत्ती आती है पूरी, क्या बात है। और ये मसाला फ्लेवर चाय में, हाँ हाँ हाँ, अच्छा मेरे को ये, मेरे को ये पता था मसाला फ्लेवर आता है भाई, ये तो गजब गजब चॉकलेट। इससे 10 से ज्यादा मेरे पास फ्लेवर ऑल अवेलेबल है, बस उसको मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। एक बार बताना भैया, आपकी शॉप देखो पता नहीं कर पाएगा कि मतलब इतनी सारी चीजें होंगी, मैं पढ़ा था पता चला। अभी भी रिसेंटली 10 दिन हुआ है मेरे को। अच्छा अच्छा 10 दिन हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, पता नहीं तो तभी तो जब भी मैं इधर से गुजरता था ना हमेशा, मतलब कई बार मैंने ध्यान दिया यहाँ पर, पान फ्लेवर ट्राई करते हैं। पान थोड़ा डिफरेंट लग रहा है ना हल्का सा। क्या क्या डालेंगे इसमें? ये चाय पत्ती मतलब पान फ्लेवर ही है ना ये? हाँ एकदम पान वाला फ्लेवर आ रहा है। और ये सारे फ्लेवर है ना यहाँ पर, मतलब पान फ्लेवर है, चॉकलेट मिल जाएगा, रोज मिल जाएगा, अदरक इलायची मिल जाएगी। अच्छा, फ्लेवर तो अभी इंक्लूडेड है, तो अभी मैं लाया नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, रहता हूँ तो मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम। हाँ वो तो है, कस्टमर अगर 5-6 आ गए तो मैं किसको दूंगा कैसे? वो शाम के टाइम पर ज्यादा दिक्कत होती होगी, बहुत भीड़ होती है तो शाम को। हाँ चलो, तो हमारी 5 चाय आ गई है, कितने कैसी है? 4 आई हैं। 5 है ना, 4 कर लो भैया। पान का कैसा टेस्ट आ रहा है? पूरा टेस्ट आ रहा होगा, पूरा अच्छी लग रही है, खुद ही बताओ। एकदम पान का टेस्ट आ रहा है ना, बहुत अच्छी चाय है भैया सच में। जब तो फ्लेवर नहीं आ रहा, मैं चाय खुद नहीं देता हूं। मैं घर पे चाय बनाता हूं अपने, मैं चाय बहुत अच्छी बनाता हूं, सही बताऊं तो घर पे ही मैं प्रेफर करता हूं पीना, लेकिन अब मेरे को लगता है कभी-कभी यहां आना पड़ेगा पीने, सही बताऊं। बिल्कुल, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। ये बहुत अच्छी है सच में। आपको कैसा लगा भाई? आप लोग ऐसे चाय और पान की तरह, पूरा पान की तरह चाय है। और आप छोड़ो पहले बताओ, ये है कटरा में आपका कौन सा चौराहा है? यूनिवर्सिटी चौराहा। हाँ, यूनिवर्सिटी चौराहा के पास में आप आइए, साइंस फैकल्टी बगल में, साइंस फैकल्टी बगल में, साइंस फैकल्टी के बगल में है, खन्ना फोटो प्लाजा के जैसा अपोजिट में है। अरे अपने हॉस्टल यार, सुंदर लाल हॉस्टल, एंजा एंजा बगल वाला है। और सुनिए मैं बताऊँ, साइंस फैकल्टी के ब्लॉग देखा नहीं? देखा आपने? देखा जाकर देख लीजिएगा, चाय आप पी लीजिएगा, चाय आप चाय पीते पीते देखिएगा ब्लॉग वाला, ठीक है? तो प्लीज जस्ट कम यार, बहुत अच्छी लगा, बहुत अच्छा लगा चाय पी के। कई चाय है आप लोग? प्राइस पहले मैंने एक स्टूडेंट के लिए लाया है, स्पेशल स्टूडेंट के लिए, 5 रुपए में कुल्हड़ चाय। इसीलिए भैया आधा कार्ड लगता है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, 5 रुपए में कुल्हड़ चाय है। ऐसे मैं ये कह रहा हूँ, वो 5 रुपए स्टूडेंट लगे, स्टूडेंट मिले अदानी, मतलब 5 रुपए में आप पूरे इलाहाबाद में, आपको मुझे नहीं लगता कि 5 रुपए में इलाहाबाद में मिल रही कुल्हड़ में चाय। पहले मिलती थी, पहले हाँ, पहले अब नहीं मिलता, अब तो 5 रुपए डिस्पोजल नहीं मिलता। मैं स्टूडेंट के लिए स्पेशल लेके आया हूँ इस प्राइस में, कर रहा है कि धीरे धीरे पिया जाएगा, एक घंटे में चाय खत्म हो सकता है। तो ठीक है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मतलब काफी लोग मिलने आए थे वहाँ पे, कुछ नए लोग भी मिले। और इस समय भैया की एक कमी नजर आई, भैया अपनी टी शर्ट उशर्ट प्रिंट नहीं करवाए, थोड़ा एडवर्टाइजमेंट करिए, मतलब लोगों को हम देखते हैं भाई, जो भी ब्लॉगर्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं तो अपना बाइक वाइक पर लगा के रहते हैं ना, ऐसा आपके कुछ है नहीं, मतलब बताना पड़ता है भैया हम ब्लॉगर हैं, तो ऐसे बताना ना पड़े, सामने वालों को खुद पता चले। नहीं वो बात सही है, लेकिन बात क्या, आप इतने बड़े क्रिएटर बने हैं ना, लेकिन आगे करवाएंगे। ऐसा सोच रहे हो कि आप इतने बड़े क्रिएटर्स में, हर कोई हम यहाँ पे आपको सबसे बड़ा क्रिएटर जिनको मानते हैं, जैसे JS सर हैं, हाँ, और हमारे एक मोटोग्राफर करके गुज्जर भैया हैं, द मोटोग्राफर, दोनों बहुत अच्छे क्रिएटर्स हैं, मोटो ब्लॉगिंग बहुत अच्छा करते हैं। और अगर देखा जाए तो JS सर के भी आप जो आपकी बाइक है उससे भी कहीं सस्ती और उससे भी कहीं नीचे की लेजेंड बाइक है, जिसको आप बोलते हैं यामाहा की RF 100। अच्छा, उससे उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तो आपके पास किस डेटा? नहीं वो तो ठीक है गाइस, तो मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है। राजेश कैसा लगा भाई? अच्छा लगा ना, स्मार्ट लग रहे हो बाबा, हैं क्या? अच्छा, ये अभी अभी आया, ये अभी तक ब्लॉग में नहीं था, ये कटरा में रहता है ये। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ब्लॉग की तरफ से, भैया की शॉप के बारे में इन्होंने बताया था, काफी अच्छा बताया। और भाई प्रयाग चाय अड्डा, हाँ अच्छा अपना अड्डा बनेगा, सही। अगर हम संगम या इधर साइड आते हैं तो यहाँ चाय पीने जरूर आएंगे, हम यहाँ जरूर आएंगे, और हम भी आ जाएंगे यहाँ पर, हमको कॉल कर देंगे। बाय कह दीजिए।
थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी आई आपकी वॉचिंग अ ब्लॉग. बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत. कुछ बोलना चाहोगे तुम लोग? कुछ नहीं चलो, लेकिन बोलेंगे फिर आगे अगले ब्लॉग. चलिए, बाय, टेक केयर, बाय.